1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेते हुए इसराइल पर एक साथ 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन का एयर स्पेस लांघते हुए इसराइल में तबाही मचा रही थी और इस दौरान इसराइल के अधिकतर इलाके हवाई हमलों के सायरन से गूंज रहे थे। और जब ये हमला खत्म हुआ तो नेतन्याहू ने ईरान से सीधा कह दिया कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। और नेतन्याहू के इस बयान के बाद ऐसी खबरें उड़ने लगी कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल ने बाइडेन की बात को भी दरकिनार करते हुए ठान लिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करके ही रहेगा और यही वजह है कि ईरान बार बार इसराइल को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दे रहा है। और साथ ही अब उसने खाड़ी देशों से कहा कि वो इसराइली हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न होने दें। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने खाड़ी देशों से कहा कि अगर उन्होंने इसराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने दिया तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि अंदरखाने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों के नेताओं से मुलाकात की और उनसे अपील की है कि वो इसराइल और ईरान के बीच किसी भी संघर्ष में निष्पक्ष भूमिका में रहें। इसको लेकर ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि फारस की खाड़ी देशों द्वारा ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, चाहे वो हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल या फिर सैन्य अड्डे का, ईरान उसे पूरे समूह द्वारा किए गए कृत्य के रूप में मानेगा और ईरान उसी हिसाब से इसका जवाब देगा। हालांकि ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि हमने खाड़ी देशों से इसराइल के खिलाफ क्षेत्रीय एकता की बात पर जोर दिया। इसके अलावा हमने ये भी साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों द्वारा इसराइल को कोई भी मदद बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं ईरान को ये भी डर है कि इसराइल उसके तेल भंडारण पर भी हमला कर सकता है क्योंकि सऊदी अरब की अगुवाई में खाड़ी देशों ने अपना तेल उत्पादन पहले से ही बढ़ा दिया है और अगर ईरान से तेल सप्लाई ठप होती है तो ये देश तेल की अतिरिक्त डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक इन खाड़ी देशों के तेल भंडारण पर हमले की धमकी तो नहीं दी लेकिन उनसे ये जरूर कहा है कि अगर इसराइल की मदद की गई तो वो इलाके में इन देशों के हितों पर हमला करेगा। ईरान का ये इशारा सीधा खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर ही था। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान को अपने ही इस्लामिक देशों को धमकी क्यों दे रहा है। तो आपको बता दें कि लाल सागर में हूती के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की अगुवाई में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया था और इसमें पर्दे के पीछे से सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन, कुवैत जैसे मुस्लिम देश शामिल थे और इन देशों ने कई बार यमन से इसराइल पर दागी गई मिसाइलों को मार गिराया था। सबसे अहम बात यह है कि बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं जहां पर हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और उनके हथियार तैनात हैं। इसी वजह से ईरान को ये लग रहा है कि इसराइल इन देशों की मदद से उस पर कोई बड़ा हमला ना कर दे।